हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो बेसिकली जो आज होने जा रही है वो होने जा रही है जो कंपनी फिटेड डिज़ायर गाड़ी आती है उसके ऊपर ये वीडियो है। मेरे फ्रेंड हैं विपिन भाई, तो उन्होंने गाड़ी ली है, लगभग 5000 किलोमीटर के आसपास वो चला भी चुके हैं, 6000 की लमसम। और कैसा उनका वो रहा कि सर्विस कैसी मिलती मारुति में, किस तरीके का सिस्टम होता है, ये सब चीज़ें जो हैं मतलब अभी इसी पे रिव्यू करने जा रहे हैं कि किस टाइप का आपको सेल के बाद आफ्टर सर्विस कैसी मिलती है, गाड़ी ने कितनी माइलेज दी है एक्चुअल में, तो वो सब चीज़ों पे हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो शूट करते हैं। तो दोस्तों ये है गाड़ी अपनी, विपिन भाई भी आए हुए हैं साथ में, तो विपिन भाई से पूछते हैं। विपिन भाई पहले ये बताओ कि गाड़ी कितने की पड़ी आपको, ऑन रोड कितने की पड़ी? ये ऑन रोड अपने को पड़ी है 960 की। 960 की, मतलब सब चीजें हैं, एसेसरीज भी जोड़ दी इसमें? एसेसरीज नहीं है इसमें। अच्छा, सब कुछ है, एसेसरीज हटा के। एसेसरीज हटा के कैसी गाड़ी, मतलब सीएनजी पे है ये क्या, ठीक है? माइलेज उलेज क्या कहोगे, कभी इसकी माइलेज नापी आपने? हाँ माइलेज नापी है इसकी, जो माइलेज मुझे मिली है 21.5 की मिली है ऑन हाईवे पे। 21.5? हाँ, पर कई लोग कहते हैं कि वो 26 की दे रही, 27 की दे रही है, ऐसा है वैसा। जो मैंने इसको चेक किया है उतना एवरेज है नहीं इसका गाड़ी का, कंपनी तो 28 का क्लेम कर रही है। अच्छा, लेकिन ये 25 तक का भी एवरेज अभी नहीं निकाला है। 6000 जो लास्ट टाइम अभी आप ऋषिकेश से काउंट कर रहे हैं, 6000 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है। अच्छा, तब ये एवरेज का नतीजा है कि दो सर्विस ऑलरेडी मैं कंपनी में करा चुका हूँ इसकी। तो कुछ ना इसमें क्या है, एक प्रॉब्लम भी आ रही थी जो जिसका प्रॉब्लम का ये शायद मेरे हिसाब से काफी दिन हो गए उस चीज को आपको बार बार जाते हुए, क्या एक बार सबको बताना तो बनता है क्योंकि लोग देखते हैं वीडियो तो पता तो चल जाएगी। क्या था इसका, जब बैक गियर डाल रहे थे तो बैक गियर अटक रहा था, ठीक है, वहाँ के टेक्नीशियन ने इसका क्लच थोड़ा सा लूज कर दिया, ठीक है। लूज करने के बाद वो गाड़ी क्या है, वो गियर अटकना बंद हो गया, फिर ये झटके लेना चालू कर दी गाड़ी। अच्छा, अब कम स्पीड में आती है तो ये झटके लेती है। अब अच्छा, उनका कहना यह है कंपनी के टेक्नीशियन है कि भैया हर किसी का चलाने का अंदाज अलग था। अच्छा, चलाने का अंदाज जब शोरूम से निकाली थी तब भी सेम होगा और आज भी सेम होगा। हाँ, नहीं तो उसे नहीं उसे पुराने वाले पे सेट कर दे ना, पुराने अगर मतलब उनको लग रहा है तो उस पे सेट कर दे। तो आपने वो नहीं कहा कर रहे हैं कि वो गियर ना अटके, इसलिए वो क्या नाम है आगे से क्लच हल्का सा लूज छोड़ रहा है। अच्छा, गियर अटकेगा तो ये कंपनी का फॉल्ट है। तो फिर यार ये तो टोटली फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग ये फॉल्ट है, कहीं ना कहीं है, है कुछ ना कुछ, लेकिन वो अपनी बात छुपाने के लिए। आप कितनी बार विजिट कर लिया आपने शोरूम? 3-4 बार हो गया। तो किनकी कौन सी डीलरशिप पे आपने किया था? ये आकांक्षा ऑटोमोबाइल, आकांक्षा रुद्रपुर। हाँ, रुद्रपुर। तो वहीं से गाड़ी निकाली थी। वो कितनी बार विजिट हो गया? ये 5-6 बार तो चले गए। अच्छा, सर्विस कोई हल नहीं? कुछ हल नहीं है, उनका कहना यह है कि हम क्लिच जब छोड़ रहे हैं तब झटके नहीं ले रही है, जब मैं चला रहा हूँ उनके सामने तो उनका क्लिच छोड़ने का अंदाज अलग है। ये कहना है कि आप गाड़ी गलत, मतलब वो तो ऐसा भी हो सकता है ना कि वो ना दिखाने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं कि पता चले रेस थोड़ी सी बढ़ा के क्लच छोड़ रहे हैं। उनका कहना तो आरपीएम, उनका कहना तो यही है। अच्छा, उनके थ्रू तो ये भी कहना है कि आप पहली बार चला रहे हैं गाड़ी। अरे मुझे क्लिच छोड़ना नहीं आ रहा। और हालांकि इससे पहले ग्रैंड विटारा थी, XL7 2003 मॉडल, 4x4 गाड़ी थी इनके पास, तो उसकी वीडियो भी डाल रखी हमने, सीएनजी किट उसमें लगाई थी। तो अब इसकी एसेसरीज की बात कर लेते हैं कि एसेसरीज में आपने क्या क्या चेंज कराया है इसमें। एसेसरीज में ये क्रोम डलवा रखा है आगे। अच्छा, ठीक है। इसके जो बल्ब आते हैं कंपनी की तरफ से जो आते हैं वो मान के चलिए कि बाइक के बराबर आते हैं, 80-90 का बल्ब होता है, उससे आप रात को कहीं चल नहीं सकते अगर हाईवे पे ज्यादा जा रहे हैं। रिले लगवाइए और 100-130 के बल्ब डलवाए इसमें, मतलब चेंज। हाँ, ये सब अब उससे तो लाइटनिंग ठीक हो गई होगी, लाइट बढ़िया हो गई है। अच्छा, और आपने कुछ लाइटनिंग का कुछ वो भी कराया था? लगवाई है यहाँ पे जो ऑडी की लाइट वो है एक बार, मतलब चाबी होगी मैंने जो लॉक मतलब वैसे भी जलती है उस हिसाब से। ये देखिए ये ऑडी में फंक्शन आता है, ये लाइटें लगवा रखी है इंडिकेटर के तो साथ। ये पार्किंग के साथ भी जलती है? पार्किंग के साथ भी। एक मिनट जलाएंगे आप। तो ये तो अच्छी आइटम लगवा रखी है। दोस्तों ये लाइटें ना कुछ इस टाइप से लग रही लेकिन बढ़िया है, अच्छा चूज किया है। अच्छा ये बताओ कि ये अगर पार्किंग लाइट जलाएंगे तो उसमें भी कुछ अलग होगा? इसमें व्हाइट कलर हो जाएगा उसकी जगह। एक कैसे होगा, एक मिनट करिए, क्या गजब। तो ये आप मतलब
कहाँ से लगवाई कहाँ से ये? ये सारी एक्सेसरीज इसमें बरेली से लगवा रखी है। अच्छा, और सब कुछ अंदर का भी लगवा रखा है, कंपनी से कुछ भी नहीं लिया है एक्सेसरीज इसकी। अच्छा, सारा कुछ बरेली से ही लगवा रखा है। और क्या क्या इसमें चेंजेस कराए आपने? ये थोड़ा अलॉय व्हील टाइप में लुक आता है, तो ये व्हील कैप लगा रखे हैं, बेसिकली अलॉय व्हील नहीं है, लग रहा है थोड़ा थोड़ा वैसा रहा है, लुक आ जाता है, लेकिन ठीक है। आपने जो मतलब चूज किया वो चीज एक होनी चाहिए ना। रखे हैं अच्छा कलर के, वैसे ब्लैक में आते हैं लेकिन ये सिल्वर लगवा रखे हैं। अंदर स्टीरियो वगैरह? हाँ, सब अंदर स्टीरियो, आप देखो स्टीरियो बेहतरीन है, बिल्कुल एकदम जबरदस्त। तो ये क्या वही है ब्लूटूथ? ये ब्लूटूथ कनेक्ट है, वाईफाई बन जाएगा पूरा। अच्छा, फिर यूट्यूब वगैरह सब कुछ इसमें चला सकते हैं आप। और बैक कैमरा लगवा रखा है इसमें, गाड़ी जब बैक करेंगे तो बैक कैमरा ऑन हो जाएगा इसका, पूरा क्लियर व्यू में आता है। मतलब जो एक्सेसरी लगवाई वो तो मतलब बर्थ ही टॉप मानते हैं। और ये भी मतलब सीट कवर भी वहीं से लगवाए, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि ये एक्सेसरीज में कुल कितना लगभग लग गया होगा? एक्सेसरीज कुल मिला के ऐसी खर्चा आया था अप्रोक्स 23,000 रुपए के आसपास। अच्छा, 23,000 रुपए में सब ये स्टूडियो, बैक कैमरा, साइड का क्रोम वगैरह सब कुछ, आगे का वो फॉग लैंप वगैरह सब कुछ। तो मतलब अगर देखा जाए तो गाड़ी ओवरऑल कैसी है और इसकी सर्विस के बारे में क्या कहोगे? सर्विस में मुझे मारुति से विशेष ये कहना चाहूंगा कि मुझे अच्छा नहीं लगा वहाँ पे, ठीक है। इससे बढ़िया तो पहले गाड़ी टाटा की भी है और उससे पहले फोर्ड इको स्पोर्ट है, तो फोर्ड की सर्विस इनसे बेटर है और टाटा की भी बेटर है। इनके यहाँ पे जो मैनेजिंग टीम है वो आज भी ठीक नहीं है। आप जाओगे, आप गाड़ी लगा दोगे वहाँ पे, जाके एंट्री करके गार्ड आपको पर्ची दे देगा, फिर कोई मैनेजर हायर होगा, मैनेजर इधर उधर घूमता रहेगा। उसके बाद आपकी आपको एक मैं फॉल्ट दिखाता हूँ इनका सर्विस करने के बाद, वो मैंने अभी तक रख रखा है, वो मैं साफ भी नहीं करवा रहा हूँ जानबूझ के। इन्होंने ये एयर फिल्टर निकाला था, उसके बाद ये सर्विस हो गई है और मेरी गाड़ी की। और ये देखिए जो काले काले निशान है, मतलब यार ये तो बिल्कुल ही इनकी कमी है, ठीक है। अंदर कहीं कपड़ा ढंग से नहीं लगा सीट पे, सीट का भी मैंने उनको कंप्लेंट करी थी इस चीज की कि हाँ ये सीट में बढ़िया नहीं है। और दूसरी चीज तो मतलब कुल मिला के यार ये तो मैंने भी सुना है कि मारुति जैसे गाड़ियां तो ठीक है यार, इनकी बहुत बिक गई, लेकिन यार सर्विस पे इनको पूरा ध्यान देना चाहिए यार। दूसरी चीज मतलब एक चीज होनी चाहिए ना, वॉशिंग के पर्पज में आप कहीं भी किसी को कहोगे वो धुल के दे देंगे आपको गाड़ी, कहीं ना कहीं कमी है वॉशिंग। तो मैं बिल्कुल ही सेटिस्फाई हूँ नहीं, और पहली दो सर्विस में वॉशिंग के अलावा कुछ हुआ नहीं। मैनुअल चेकअप कहते हैं, पहली वाली में तो कुछ भी नहीं हुआ था। अच्छा, दूसरी वाली में गाड़ी को लिफ्ट करके देखा गया था खाली, बस उसके अलावा कुछ भी चेकअप नहीं था। अभी मतलब इसकी 2,000 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी दबने लगी, इनको एयर फिल्टर चेंज करने चाहिए थे। अच्छा, वो मैंने आफ्टर मार्केट करवा रखे हैं इसके, क्योंकि गाड़ी में दब बहुत रही थी। इनका कहना है कि अभी ये 10,000 पे ही एयर फिल्टर चेंज होगा, लेकिन अगर एक बार इनको चेक तो करना चाहिए था मैनुअल के, एक बार चेक क्या निकाल के एयर फिल्टर में अपना वो प्रेशर मार देते हैं, उसके बाद सेम लगा देते हैं। उसके लिए हम पे करेंगे एज ए कस्टमर, हम पे करेंगे। हाँ नहीं, अगर उस मतलब कस्टमर को अगर कहा जाए कि भैया ये चीज जरूरी है तो वो चीज हो सकती है, मतलब इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन अब क्या सर्विस, तो फिर मतलब सर्विस की रेटिंग तो आप मान के चलिए कि 5 में से अगर देनी पड़ेगी तो मैं ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 2 दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। इससे ज्यादा तो बढ़ती नहीं है सर्विस के मामले में, तो ठीक है गाड़ी। लेकिन दोस्तों वही है कि समझने वाली बात है कि मारुति चीज ठीक है यार, मतलब थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि बजट में आने वाली गाड़ी है। आज आपको एक पॉइंट और दिखा रहा हूँ, वो तो अभी आपने रेक्टिफाई कर दिया, मुझे ये चीज नहीं पता थी। हाँ हाँ, ये जो अभी आपने टाइम सेट किया है। अच्छा अच्छा अच्छा, इनका मेन मतलब क्या, जब जिस दिन मुझे गाड़ी डिलीवर करी थी ये 2 घंटे पीछे चल रही थी इसकी घड़ी। अच्छा, अब मुझे सेट करना आ नहीं रहा था, और मैं तीनों बार दोनों सर्विस में बोल चुका हूँ कि भैया ये सेट कर दो, तो इनका टेक्नीशियन भी नहीं कर रहा था उसको, मतलब मैंने कर दी वो तो आपने अभी करी है 2 घंटे पीछे। और क्या हो रहा था, बात बार बार कट जा रही थी वो, जैसे कि मुझे भी जल्दी हो रहा था गाड़ी ले जाने का। हाँ। सर्विस कराई तो वो हमेशा ही रह रहा था, तो आज आप बैठे तो मैंने कहा यार ये गाड़ी में ये टाइम पहले सेट कर, क्योंकि टाइम मतलब मेरा थैंक यू करना चाहूंगा। तो दोस्तों ये था रिव्यू कुछ किस तरीके का चलिए डिज़ायर, मतलब 6,000 के बाद कस्टमर कैसा सेटिस्फाइड है या नहीं है। अगर मारुति वाले देख रहे हो तो यार थोड़ा सा ना सर्विस में ध्यान दो, बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली एक गाड़ी मेरे पास भी है मारुति की, ब्रेजा है, मैं तो भुगत चुका हूँ, लेकिन अब मैं तो क्या है कि अपनी खुद की वर्कशॉप है तो मैं वहीं पर सब काम खुद ही करवाता हूँ और सब चीज़ें मतलब ध्यान देते हैं। लेकिन वहाँ से मैं एक रिव्यू डालूंगा बहुत बढ़िया इसी डीलरशिप का, आकांक्षा का ही,
जिसमें मैंने एक बॉडी का थोड़ा सा डेंट निकलवाया था, जिसके आज निकलवाया, तीसरे दिन फिर क्रैक मार गया वो। उसके बाद इन्हें कॉल करी, कॉल करने के बाद कहते हैं कि यार 10 दिन 15 दिन उस काम के लिए गाड़ी खड़ी करना पड़ेगी। लेकिन सबसे दोस्तों आज की डेट में ज़रूरी है कि समय नहीं है, टाइम नहीं है किसी पास। सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल सही। तो समय की सबसे ज़्यादा है कि अगर एक बार एजेंसी में जाओ, बहुत गाड़ियाँ लगी होंगी, अब आपने 10 मिनट भी कोई काम करवाना ना छोटा सा, तो कम से कम आपको 2 घंटे वेट करना पड़ेगा। अब उस चीज़ के लिए मतलब समझ नहीं आती है इस चीज़ को। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, आप लोग सब्सक्राइब करते हो, यहाँ ब्लड बढ़ जाता है। ठीक है, थैंक यू।